हेलो दोस्तों, आज हम शेयर करेंगे आपके साथ गेहूं के आटे के नाश्ता, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही चटपटा स्पाइसी है। आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम बनाते हैं स्पाइसी चटपटा नाश्ता। पहले हम एक कटोरी गेहूं का आटा लेंगे। आटा हमने पहले से छान लिया है छन्नी से, जो हम रोज रोटी बनाते हैं वही ये आटा है। इसमें डालें नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, दरदरी तीखी मिर्च डालेंगे, थोड़ा से हम डालेंगे इसमें अजवाइन, हाथों से ऐसे मस लेंगे और डाल देंगे। डालेंगे इसमें अदरक लहसुन, लहसुन कद्दूकस कर लिया है, थोड़ा डाल देंगे इसमें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जैसे रोटी का आटा सानते हैं वैसे हम इसको सानेंगे। आप देख सकते हैं हमने सान लिया है, जैसे रोटी का आटा सानते हैं वैसे हमने इसको सान लिया। हमने ये बड़ा सा लोई बना लिया है, थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और इसको हम बेलेंगे। ये हमने बेल लिया है, आप देख सकते हो हमने रोटी से थोड़ा ज़्यादा मोटा रखे हैं। कट करेंगे ऐसा, तब ऐसे बॉक्स बॉक्स काटेंगे। आप देख सकते हो हमने बॉक्स बॉक्स काट लिए हैं सारे। अब इसमें से हम एक पीस उठाएंगे और ऐसे होल्ड कर देंगे। ये देखिए वैसे डिजाइन बन जाएगी। ये हमने सारे बना लिए हैं, आप देख सकते हो पानी हमारा गर्म हो चुका है। इसमें डाल देंगे एक चम्मच मीठा तेल। अब हम ये इसको बॉईल होने के लिए पानी में डालेंगे। हमने सारे डाल दिए हैं, अब इसको ढक देंगे 7 से 8 मिनट तक के लिए तेज आंच पे। 7 से 8 मिनट हो चुका है, चलिए चेक करते हैं। अब देख सकते हो ये उबल कर ऊपर आ गया है, इसके मतलब हमारा नाश्ता पक चुका है, उबल चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसमें डालेंगे हम मीठा तेल, तेल को गर्म हो जाने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच सरसों जीरा। इसमें डालेंगे आप 1 चम्मच अदरक लहसुन। फिर डालेंगे हम इसमें प्याज डाल देंगे, डालेंगे शिमला मिर्च, गाजर, इन सारी चीज़ों को डालेंगे। टमाटर नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, इसी तीखी मिर्च, दरदरी मिर्च, थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला डालकर सारी चीज़ों को भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। 1 से 2 मिनट हो चुका है भूनते हुए, देखिए हमारा सब्जियाँ ये डाल देंगे हमने जो आटे से नाश्ता बनाया है, इसे डालकर अच्छी तरह से मिलाएंगे। टमाटो सॉस डालेंगे, हरी धनिया सब मिला लेंगे अच्छी तरह से। ये हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है, अब इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। ये हमारा तीखा चटपटा नाश्ता बनकर तैयार है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और बच्चों को बड़ों को खिला। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।